और अब बात करते हैं पहाड़ में मौत के तांडव की। जी हां, उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। हल्द्वानी ऋषिकेश में 31 सेंटीमीटर बारिश, 9 लोगों की मौत हो गई, 200 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फट गया, जिसके बाद उफान पर आ गई है गिरी नदी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश जारी है, 9 लोगों की जान गई और 12 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो 9 लोगों की जान गई और 12 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 200 लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है और उत्तराखंड में पहाड़ में हम कह सकते हैं मौत का तांडव देखने को मिला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फट गया और फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, तो उस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और बादल फट गया, जिसके बाद नदी उफान पर आ गई, पहाड़ में मौत का तांडव। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश देखने को मिली है, तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश देखने को मिली। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर भारी बारिश और उत्तराखंड में भारी बारिश से तांडव, ऋषिकेश हल्द्वानी में 31 सेंटीमीटर बारिश हुई है, 9 लोगों की मौत हो गई, 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, तो इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, पहाड़ में मौत का तांडव, उत्तराखंड में 24 घंटे से भारी बारिश देखने को मिली है, क्या हालात हैं फिलहाल, क्या पूरी जानकारी है? कई जगहों पर अलग अलग दुर्घटनाओं में लोगों की जाने जाने की खबर सामने आई है। बिल्कुल गलीमा, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड में आफत की बारिश ने पहाड़ से लेकर के मैदान तक में कहर बरपाया हुआ है। लोग इस समय बेहद परेशान है। जहाँ मैदानी क्षेत्रों में नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, तो पहाड़ी जनपदों में भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग जैसे तमाम जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। आज रुद्रप्रयाग जनपद में भी दुखद घटना हुई है। इसके अलावा पहाड़ के तमाम अन्य जनपदों की बात करें तो वहां पर भी लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ रही है। अब मौसम विभाग की अगर हम अलर्ट की बात करें, तो आने वाली 14 अगस्त तक के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का ये कहना है कि राज्य के अधिकांश जनपदों में हमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके लिए सतर्क रहना होगा। जो पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग हैं उनको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। और मौसम विभाग ने लोगों से ये भी अपील की है कि अनावश्यक रूप से पहाड़ों की यात्रा करने से बचें, क्योंकि ऐसे मौसम में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ सकती है। तो गरिमा, जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से भारी बारिश ने पूरा तांडव मचा रखा है, वही परिस्थिति इस समय देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जो बारिश है वो देखने को मिल रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में तो और भी ज्यादा स्थिति विकट होती जा रही है। बिल्कुल, और ज्यादा विकट स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। तो देखिए, 31 सेंटीमीटर बारिश हुई है, लेकिन कब तक हालात जो है वो सामान्य हो सकते हैं अंकित? क्योंकि कई जगहों पर बड़ा नुकसान हुआ है, कई लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। मौसम विभाग क्या आसार जता रहा है इस पूरी बारिश को लेकर? देखिए गरिमा, अभी फिलहाल तो राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी 14 अगस्त तक का अलर्ट जारी किया है और उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये जो भारी बारिश है वो इसके जो जो जनपद हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और बड़ी संख्या में, जो हमारे उत्तराखंड के अगर 13 जिलों की बात करें तो वहाँ पर जो बारिश की जो तीव्रता है वो और अधिक देखने को मिलेगी। जो भूस्खलन की घटनाएँ हैं वो और अधिक बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जो नदियों के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा और जो परिस्थितियां हैं वो फिलहाल राहत देती भी नजर नहीं आ रही है और जो आफत की बारिश है वो लगातार देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी यही कहता है कि आने वाले समय में परिस्थितियां और विकट होगी और लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में मुश्किलें लोगों की और ज्यादा बढ़ सकती हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर खतरा काफी ज्यादा हो गया। अंकित, एक तरफ बारिश ने तो लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन कई जगहों पर पहाड़ दरकने, खिसकने की या फिर भूस्खलन की भी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में इस सब को लेकर कोई तैयारी है क्या? कुछ मार्ग बंद किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? बिल्कुल गरिमा, ऐसी परिस्थितियां आ रही है और प्रशासन को यातायात को सुचारू रूप से चलाने में काफी दिक्कतें हो रही है। पहाड़ों में तो ये स्थिति ये है कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से सड़क शुरू हुई थी और कब सड़क खिसक जा रही है। जो वाहन है वो नदियों में समा रहे हैं, तस्वीरें भी आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से
पहाड़ की जिंदगी, पहाड़ जैसी जो समस्याएं हैं वो उसको झेल रही है। और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये हो रही है कि जो जो लैंडस्लाइडिंग की घटना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मौसम से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से तमाम जो अधिकारी हैं उन सभी की छुट्टी को रद्द करते हुए उनको तत्काल जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी तमाम जो फोर्सेस हैं, चाहे फिर वो SDRF है, NDRF है, तमाम जो अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं उन सभी को तैनात किया गया है ऐसे ऐसे संवेदनशील स्थानों पर जहां पर की लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं ज्यादा होती है। और जो पहाड़ी के अगर हम अधिकांश क्षेत्रों में देखें तो ये घटनाएं काफी देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए एहतियातन अधिकारियों की तैनाती की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी प्रभावित हैं उन सभी को त्वरित रूप से राहत मिल सके, इसकी कोशिश में सरकार लगी हुई है। बिल्कुल साफ तौर पर शुक्रिया आपका अंकित अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें जहां पर पहाड़ में मौत का तांडव देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर भारी बारिश भूस्खलन से लोगों के सामने मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि की 200 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिली है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिली, कई लोगों की जान चली गई है, हालात बेकाबू हो गए हैं। और ये आम खबर आपको हम बता दें ऋषिकेश हल्द्वानी में 31 सेंटीमीटर बारिश से आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के सामने समस्याएं आई हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है, 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिली है, उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिली है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और ऋषिकेश हल्द्वानी में 31 सेंटीमीटर बारिश के आसार देखने को मिले हैं, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो 9 लोगों की मौत और 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उत्तराखंड में भारी बारिश।